दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फोन पे का यूपीआई पिन भूल जाने के बाद नया यूपीआई पिन कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन पे का यूपीआई पिन भूल गए हैं और आप भी अपने फोन पे का नया यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नया यूपीआई पिन बनाना नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में अपने फोन पे का यूपीआई पिन चेंज करके दिखाएंगे। तो दोस्तों फोन पे का यूपीआई पिन चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना फोन पे ओपन कर लेना है। हमने यहाँ पे अपना फोन पे ओपन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फोन पे का यूपीआई पिन चेंज करना है, नया यूपीआई पिन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, हमें यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमने जो भी फोन पे में अपना बैंक अकाउंट लिंक किया होगा यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट दिखाई देगा, हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है यूपीआई पिन, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन है रीसेट और यहाँ पे चेंज है। अगर आपको आपका यूपीआई पिन याद है तो आप यहाँ पे चेंज पर क्लिक करके अपना पुराना यूपीआई पिन डाल के आप नया यूपीआई पिन बना सकते हैं। अगर आप अपना यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, हमें यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपना फ़ोनपे का यूपीआई पिन भूल चुके हैं, हम यहाँ पे नया यूपीआई पिन बनाएंगे, तो हम यहां पे रीसेट पर क्लिक करेंगे। रीसेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहां पर आधार नंबर से भी अपना जो है यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं और यहां पे डेबिट कार्ड से भी सेट कर सकते हैं। तो हम यहां पे डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो हम यहां पे डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे और यहां पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको अपने एटीएम कार्ड की कुछ डिटेल देनी होगी। यहां पे सबसे पहले आपको अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालने हैं और यहां पे एक्सपायरी डेट डालना है। तो मैं यहां पे अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डाल देता हूं, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो हमने यहां पे अपने एटीएम कार्ड की डिटेल डाल दिया है, अब हमें यहां पे प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा, हमारे बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगी, हमें यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। यहाँ पे हमारी ओटीपी आ चुकी है और यहाँ पे ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे चेक मार्क पर क्लिक करना है। चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हमें यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है, हम यहाँ पर अपना यूपीआई पिन सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई पिन डाल दिए हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे चेक मार्क पर क्लिक करना है। चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद हमने जो भी यूपीआई पिन डाला है उसको कंफर्म कर देंगे, दोबारा से अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं। दोबारा से यूपीआई पिन डालने के बाद हमें यहाँ पे चेक मार्क पर क्लिक करना है। चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमारा नया यूपीआई पिन बन चुका है। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी अपने फ़ोनपे का यूपीआई पिन भूल जाने के बाद नया यूपीआई पिन बना सकते हैं।